उत्तर प्रदेश में योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के चाहे लाख दावे कर रही हो, लेकिन ये रिपोर्ट ऐसे दावों की पोल खोल रही है। आइए आपको दिखाते हैं बदायूं इलाके के ऐसे सरकारी डॉक्टर की कहानी, जिसे मरीज की जान की कोई परवाह नहीं बल्कि सिर्फ अपने पद की चिंता है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन बदायूं जिला अस्पताल में तैनात वरिष्ठ सर्जन और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आरएस यादव की करतूत सुनकर शायद ही उन्हें कोई भगवान कह पाएगा। मामला 27 अप्रैल का है। एक लड़की गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची, ऐसे में जूनियर डॉक्टर ने जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर आरएस यादव से मदद मांगी, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। डॉक्टर हिशम को फोन किया था सर, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। एक सर एक्यूट एब्डोमेन का केस है, लड़की है, और सर हिस्ट्री लूज मोशन की थी, लेकिन इन्होंने कहीं से दवाई दिलवाई थी। अभी सर टेंडरनेस बहुत ज्यादा है और घर वाले उसके शोर मचा रहे हैं सर, तो आप आ करके देख लो सर एक बार। नहीं हम तो सर मैं किसको फिर बुलाऊं सर, डॉक्टर ऋषिम को फोन किया सर, वो आ नहीं रहे हैं। मैं आपको आपको फोन कर रहा हूँ, आप आने से मना कर रहे हो सर। बिल्कुल हम थोड़ी आएंगे, हम सर्जन थोड़ी हैं यार। सर आप तो कार्यवाहक है ना, अब सर फिर आप ही बताइए फिर मैं किसको बुला दूं। हाँ तो अपना इलाज कर दो, सर्जन नहीं आ रहे हैं, बाहर ले जाए नहीं ले जाए, इलाज चलाओ अपना। जूनियर डॉक्टर नितिन का दावा है कि उन्हें सुझाव दिया गया कि लड़की के अंगूठे की छाप लेकर उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाए। डॉक्टर नितिन का दावा है कि ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, डॉक्टर यादव ने सीएमएस बनने के बाद इमरजेंसी पर आना बंद कर दिया है। मैंने अपने खुद फोन से डॉक्टर ऋषिम को कॉल किया था, लेकिन डॉक्टर ऋषिम का नंबर नहीं लग पाया मुझसे। तब मैंने इनको दोबारा से कॉल किया है कि इस तरीके से ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप प्लीज आकर के देख लीजिए। इन्होंने फौरन मुझसे साफ आने से मना कर दिया, बोले नहीं हम सीएमएस हैं और तुमसे कितनी बार कहा कि हमको इस संबंध में कॉल मत किया करो। वहीं जब इस बारे में डॉक्टर यादव से पूछा गया तो उन्होंने डॉक्टर नितिन पर साजिश करने का आरोप लगा दिया। मैटर ये था कि हमारे दो सर्जन हैं, दोनों की ड्यूटी दिन बार लगी हुई है, तो मुझे बुलाने का कोई अचित्य नहीं है। ये नितिन कुमार है जो आए दिन समस्या पैदा करता है, संविदा का डॉक्टर है, ये लोकल यहीं के रहने वाला है, इनके फादर वकील हैं। वहीं जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सफाई मांगी गई तो उनका भी कहना है कि सीएमएस को तुरंत मरीज को बचाने के लिए आना चाहिए था। सीएमएस को तुरंत आना चाहिए, आके देखना चाहिए, और अगर उनको यह लगता है कि किसी विशेषज्ञ को बुलाने की जरूरत है तुरंत देखना चाहिए। इस संबंध में मैं उनको नोटिस जारी करूंगा और इस समस्या का समाधान होगा, दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बदायूं जिला अस्पताल में शासन की तरफ से कोई भी सीएमएस नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिए वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर यादव को ही अस्पताल प्रभारी बना दिया गया था। सवाल ये है कि क्या कोई पद मरीज की जान से बड़ा है। तो ये डॉक्टर हैं जिन्हें भगवान समझा जाता है, और ऐसी करतूत वाकई में कई सवाल खड़े करती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।